अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की उसकी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास कोई एग्जांपल 3 जो की थी सेम उसी की तरह ही है। हमने इसके इनके फैक्टर्स बनाने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाती हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 के फैक्टर बनाते हैं। 3 वन ज़ा 3। अब 3 से हमने 2 बनाना है। 3 वन ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ जाता है, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, पहले दो में से x को कॉमन आ जाएगा, यहाँ x रह जाएगा प्लस यहाँ 3 रह जाएगा, इनमें से माइनस 1 को कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, x प्लस 3 और x माइनस 1। इसी तरह हम अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 के। 8 वन ज़ा 8, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ जाता है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे 8 माइनस 1 एक्स माइनस 8। एक्स स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 8x माइनस एक्स वन ज़ा एक्स माइनस 8, पहले दो में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x प्लस एक्स कॉमन चला गया, यहाँ रह गया 8 माइनस 1 एक्स, माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज, यहाँ प्लस 8 आ जाएगा। अब x प्लस 8 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे x रह जाता है और यहाँ पे माइनस 1। ये फैक्टर्स इसके थे, हम यहाँ लिख लेते हैं। x प्लस 3 एक्स माइनस 1 स्केयर रूट प्लस इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं x प्लस 8 एक्स माइनस 1 स्केयर रूट, ये इक्वल किस तरफ, इसे इस तरफ ले आते माइनस, ये इसके फैक्टर्स अब बनाते हैं हम। ये हमारे पास है 5 को रहने देंगे, अंदर वाली लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। 4 वन ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4। एक्स स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, एक्स को 1 से करेंगे माइनस एक्स माइनस 4, पहले दो में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिए 1x रह गया प्लस x कॉमन चला गया 4 रह गया, माइनस जहाँ से कुछ कॉमन है वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, x 4 वैसे आ जाएगा लेकिन बाई माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x प्लस 4 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया x और यहाँ पर रह गया माइनस 1। अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या बने, 5 वैसे ही लिखा रहने देंगे, इस चीज़ के जो फैक्टर थे x प्लस 4 और x माइनस 1 है। x प्लस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इन सब में कॉमन जो आ रहा है फैक्टर वो कौन सा है। x माइनस 1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ऊपर स्केयर रूट भी था इसलिए स्केयर रूट के साथ हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे रह गया x प्लस 3 का स्केयर रूट प्लस x प्लस 8 का स्केयर रूट माइनस 5 इंटू x प्लस 4 का स्केयर रूट इक्वल 0। अब हमारे पास एक ये और एक ये दो फैक्टर्स बन गए, दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे। x माइनस 1 स्केयर रूट इक्वल 0, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो x माइनस 1 स्केयर रूट का स्केयर इक्वल 0 का स्केयर, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया 1 के। एक तो x की वैल्यू आ गई 1, अब इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3 स्केयर रूट प्लस x प्लस 8 स्केयर रूट माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 स्केयर रूट इक्वल 0, इसे उधर ले जाएंगे वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 स्केयर रूट प्लस x प्लस 8 स्केयर रूट, उधर जाके ये माइनस से प्लस हो गया x प्लस 4 स्केयर रूट, ठीक हो गया। दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेंगे, मैं इसी स्टेप में ले रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग स्केयर बोथ साइड करिएगा। ये a प्लस b का होल स्केयर ओपन करेंगे तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 5 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गए, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8 3 ज़ा 24 इक्वल 5x प्लस 5 4 ज़ा 20। इन सब को हम उस तरफ ले जाएंगे, ये स्केयर रूट वाली इस तरफ रह जाएगी, 2 स्केयर रूट में हमारे पास आ जाएगा एक्स के 8 और 3 11x प्लस 24 इक्वल 5x, ये 1 और 1 2x बन जाते हैं प्लस का और इस तरफ जाके माइनस 2x हो जाएंगे, प्लस 20 ये 8 और 3 11 बन जाते, उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा, 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 11x प्लस 24 इक्वल 5 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 3x,
प्लस 20 में से 11 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक हो गया। अब अगेन स्केयरिंग, अगेन स्केयर लेंगे दोनों साइड पे, तो मैं यही भी स्केयर ले रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में ले लीजिएगा। 2 का स्केयर 4 आ गया और इसका स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 11x प्लस 24 वैसे आ गया। ये a प्लस b का होल स्केयर, तो इसे ओपन करेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये आ जाएगा 9x स्केयर प्लस 9 का स्केयर 81 प्लस 3 2 6 6 9 54x, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्केयर प्लस 44x प्लस 96, ठीक हो गया। इन सबको हम उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो ये आ जाएगा 9x स्केयर, ये उधर जाके माइनस 4x स्केयर प्लस 54x, ये उधर जाके माइनस 44x प्लस 81, ये उधर जाके माइनस 96, ये इधर जीरो रह गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हम माइनस कर लेंगे, 9 में से 4 माइनस किए 5x स्केयर, 54 में से 44 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 10x, 81 में से 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का आएगा 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसे डिवाइड कर देंगे हम 5 पे, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, हमारे पास आ जाएगा एक्स के प्लस 2x माइनस 3, एक्स के प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0, 3 वन्स आर 3, 3 में से ये सेम यही वाली इक्वेशन बन रही है ना, तो इसके जो फैक्टर बने थे मैं डायरेक्ट वही लिख रही हूँ, x प्लस 3 एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व किए करेंगे, दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे, x प्लस 3 इक्वल 0, एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस 3 और x इक्वल 1, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इक्वल 1 आ गई, एक्स इक्वल माइनस 3 और वहाँ भी एक्स इक्वल 1, मतलब हमारे पास 1 1, दो दफ़ा 1 आ गया, सो एक दफ़ा लिखेंगे 1 और माइनस 3, इनको हम चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करें अगर हम 4x इक्वल 1, तो उस इक्वेशन में मतलब सवाल में हम x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 स्केयर रूट प्लस 1 का स्केयर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8 स्केयर रूट इक्वल 5 इंटू 1 का स्केयर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 स्केयर रूट, 2 वन ज़ा 2, 2 और 1 3, 3 में से 3 माइनस किए 0, 7 वन ज़ा 7, 7 में 1 ऐड किए 8, 8 में से 8 माइनस किए 0, 3 वन ज़ा 3, 3 में 1 ऐड किए 4, 4 में से 1 4 माइनस किए 0, ये सारा 0 हो गया, तो 0 इक्वल 0 आ गया, 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब हम करते हैं x इक्वल माइनस 3 के लिए, ठीक हो गया, माइनस 3 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, माइनस 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3 स्केयर रूट, सवाल में ही हम पुट कर रहे हैं, प्लस 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर सॉरी प्लस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 8 स्केयर रूट इक्वल 5 इंटू माइनस 3 का स्केयर प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 स्केयर रूट, 3 का स्केयर 9 आ गया, माइनस 3 टू ज़ा 6 माइनस 3, तो ये भी कटिंग होके 0 आ गया, प्लस 3 का स्केयर 9 माइनस 7 थ्री ज़ा 21 माइनस 8, 8 और 9 हमारे पास आ जाएंगे, ये 8 था, 3 का स्केयर 9, 7 थ्री ज़ा 21, 8 और 9 हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी 8 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, स्केयर रूट 20 आ गया। अब हम इसे करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 का स्केयर 9 माइनस 3 थ्री ज़ा 9 माइनस 4, ये कटिंग हो गया, 5 फोर ज़ा 20 स्केयर रूट 20 इक्वल स्केयर रूट 20 आ गया, दोनों हमारे पास सेटिस्फाई करके माइनस 3 के लिए भी और 1 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 और 1, ठीक हो गया। इधवा फिर से देख लें, एग्जाम्पल जैसे की थी हमने, जैसे हम उसी एग्जाम्पल की तरह हमने इसे सॉल्व करना है, हमने पहले इनके फैक्टर बनाने, एग्जाम्पल 3 की तरह,
हमने इनके पहले फैक्टर बना लिए, फैक्टर बना के यहाँ पे लिख लिया, कॉमन जो फैक्टर था उसे जो सब में मौजूद था कॉमन फैक्टर उसे बाहर ले लिया, और बाकी ये बच गया दो फैक्टर्स बन गए, इसको भी इक्वल जीरो रखा, इसको भी इक्वल जीरो रखा। फिर ये क्या इस एग्जाम्पल नंबर टू की तरह सॉल्व होगा, एक स्केयर रूट को दूसरी तरफ ले गए, दोनों तरफ स्केयरिंग की और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई थी। इसमें भी एक तरह एक जगह पे स्केयर रूट आ गया, फिर से अगेन स्केयरिंग की, फिर सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन बन गई, इसे हमने फैक्टराइज किया, वैल्यूज आ गई, फिर उनमें हमने उन्हें चेक किया। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया। क्वेश्चन नंबर एट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है, एट भी क्वेश्चन नंबर हमने सेवन की तरह करना है, फैक्टर्स बनाने, इसका भी बनाने की जरूरत नहीं है, लीनियर फॉर्म में है, इसके दो लीनियर फैक्टर हमने बना लेने हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स में से वन माइनस किया फाइव, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से टू एक्स कॉमन आ गया, यहाँ रह गया एक्स और यहाँ थ्री टू जै सिक्स हो तो थ्री कॉमन आ गया, प्लस वन कॉमन ले लिया एक्स माइनस थ्री। ठीक हो गया, एक्स माइनस थ्री जो था वो कॉमन आ गया, यहाँ रह गया टू एक्स और यहाँ रह गया वन, ये फैक्टर हमारे पास आ गए एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन। ठीक हो गया, इसके बनाने की जरूरत नहीं, पहले से लीनियर फॉर्म में है, टू एक्स प्लस वन इक्वल, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल जीरो, ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर वन ज़ार ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर में वन ऐड किया तो ट्वेंटी फाइव बन जाता है हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस वन एक्स प्लस ट्वेल्व, टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेल्व, इसमें से टू एक्स कॉमन आ गया, यहाँ रह गया एक्स प्लस ट्वेल्व को, ट्वेंटी फोर को टू पर डिवाइड करते ट्वेल्व आता है, प्लस यहाँ से वन कॉमन आ गया एक्स प्लस ट्वेल्व, तो हमारे पास एक्स प्लस ट्वेल्व जो है वो कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर रह गए टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस ट्वेल्व और टू एक्स प्लस वन इसके फैक्टर्स बन गए, एक्स प्लस ट्वेल्व टू एक्स प्लस वन जो है इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक हो गया, इसे हम रिमूव कर लेते हैं और अब क्या करेंगे, हम उसे इस तरफ ले आएंगे, इसी तरफ यहीं पर ले आते हैं, प्लस था माइनस का भी इक्वल जीरो। ठीक हो गया, अब टू एक्स प्लस वन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी इसे कॉमन ले लेते हैं, टू एक्स प्लस वन स्केयर रूट कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स माइनस थ्री का स्केयर रूट प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व स्केयर रूट इक्वल जीरो, दोनों इक्वल जीरो के आएंगे, टू एक्स प्लस वन स्केयर रूट इक्वल जीरो, जीरो दोनों साइड पे मैंने स्केयर लिए, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल आ जाएगा वन, उधर जाके माइनस हो गया, टू उधर जाके डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर टू। ठीक हो गया, अब इसे इक्वल जीरो पर रखते हैं, एक्स माइनस थ्री स्केयर रूट प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व स्केयर रूट इक्वल जीरो, या तो एक स्केयर रूट को उधर ले जाए या तो कॉन्स्टेंट टर्म जो उसे उधर ले जाए, दोनों की तरह मैं इस स्केयर रूट जो माइनस वाला उसे उधर ले जाए ताकि ये प्लस हो जाए, एक्स माइनस थ्री स्केयर रूट प्लस थ्री इक्वल एक्स प्लस ट्वेल्व स्केयर रूट। अब दोनों तरफ स्केयर कर देंगे, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करें, ए प्लस बी का होल स्केयर है तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए ए और ये बी इक्वल, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स प्लस ट्वेल्व, ये भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री का स्केयर नाइन प्लस टू, टू थ्री ज़ा सिक्स हो गया सिक्स, और ये साथ में स्केयर रूट में हमारे पास आ गया एक्स माइनस थ्री इक्वल एक्स प्लस ट्वेल्व, इसे इधर रहने देंगे, इनको हम उधर ले जाते हैं, सिक्स एक्स सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल एक्स, ये उधर जाके माइनस एक्स हो गया प्लस ट्वेल्व, ये नाइन में से थ्री माइनस के सिक्स, माइनस का सिक्स से इधर जाके प्लस का सिक्स हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल ट्वेल्व और सिक्स जो है वो एटीन हो गया, डिवाइड पर सिक्स, सिक्स पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, सॉरी माइनस है यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री स्केयर रूट इक्वल सिक्स थ्री ज़ार एटीन होता है थ्री आ गया। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर लें, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, एक्स माइनस थ्री इक्वल थ्री का स्केयर नाइन, एक्स इक्वल नाइन प्लस थ्री और x इक्वल आ गया नाइन और थ्री ट्वेल्व। ठीक हो गया, ये हमारे पास ट्वेल्व और माइनस वन ओवर टू, यहाँ पे नाइन में से सिक्स थ्री माइनस के तो सिक्स आता है प्लस का, तो इधर आके ये माइनस सिक्स होना था, ट्वेल्व में से सिक्स माइनस किए तो सिक्स आ गया, सिक्स पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन, वन का स्केयर वन ही आता है, थ्री और वन ये आ गया हमारे पास फोर। ठीक हो गया, फोर और माइनस वन ओवर टू, इन दोनों को हमने चेक करना है सवाल में, पुट करेंगे के सेटिस्फाई करते हैं ये नहीं, पहले हम माइनस वन ओवर फोर को कर लेते हैं फिर फोर को कर लेंगे, माइनस वन ओवर टू सॉरी, फोर एक्स इक्वल माइनस वन ओवर टू, सवाल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट करेंगे, टू
माइनस वन ओवर टू का स्केयर माइनस फाइव इंटू माइनस वन ओवर टू माइनस थ्री स्केयर रूट प्लस थ्री टू इंटू माइनस वन ओवर टू प्लस वन इक्वल टू इंटू माइनस वन ओवर टू का स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस वन ओवर टू प्लस ट्वेल्व। ठीक हो गया, माइनस स्केयर की वजह से खत्म। वन टू का स्केयर फोर तो ये कटिंग होकर वन ओवर टू रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस फाइव ओवर टू माइनस थ्री स्केयर रूट प्लस थ्री ये हो जाएगा टू से टू कैंसिल रह जाएगा प्लस माइनस वन ये जीरो हो जाएगा इक्वल ये भी आ जाएगा वन ओवर टू माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टू प्लस ट्वेल्व स्केयर रूट ये आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस फाइव माइनस सिक्स ओवर स्केयर रूट टू ये तो जीरो हो गया था ये आ जाएगा वन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर ओवर टू स्केयर रूट ये फाइव ओवर वन सिक्स ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो सेटिस्फाई हो गया वन माइनस वन ओवर टू के लिए। अब हमने फोर के लिए चेक करना है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ फोर पुट करेंगे टू इंटू फोर का स्केयर माइनस फाइव इंटू फोर माइनस थ्री स्केयर रूट प्लस थ्री स्केयर रूट में टू इंटू फोर प्लस वन इक्वल टू इंटू फोर का स्केयर प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू फोर प्लस ट्वेल्व फोर का स्केयर सिक्सटीन सिक्सटी टू ज़ा थर्टी टू माइनस फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू फोर टू ज़ार एट एट और वन नाइन नाइन का स्केयर रूट क्या आ जाता है थ्री ये भी थर्टी टू आ जाएगा प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव को फोर से करेंगे हंड्रेड आ जाएगा प्लस ट्वेल्व। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा थर्टी टू में से ट्वेंटी माइनस किए तो हमारे पास रह जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से थ्री माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नाइन, नाइन का स्केयर रूट थ्री, थ्री प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन ये आ जाएगा। थर्टी टू में ट्वेल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्टी फोर, फोर्टी फोर में हंड्रेड करेंगे तो वन फोर्टी फोर, वन फोर्टी फोर का स्केयर रूट ट्वेल्व आता है, ये ट्वेल्व इक्वल ट्वेल्व तो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो गया। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आएगा फोर और माइनस वन ओवर टू। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर नाइन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए हाफिज़।